मैं खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट के थाने पर, जहां हमारे बीच मौजूद हैं सीओ साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये मुहर्रम का पर्व करीबी है, उस पर पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम जनता को ये कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी का संक्रमण चारों तरफ फैल रहा है, हमारा देश, प्रदेश और जिला भी इससे अछूता नहीं है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी त्यौहार आए, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे गणेश चतुर्थी का त्यौहार हो या अनंत चतुर्दशी के त्यौहार हो, वो त्यौहार सब इस बार स्थगित रखें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी रहेगी तो त्यौहार हर साल आएंगे और हर साल हम लोग सब लोग मिलकर त्यौहार मनाएंगे। इस बार त्यौहार स्थगित रखें और अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो फेस मास्क जरूर पहनें, अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को कम से कम निकलने के लिए कहें। बहुत ही आवश्यक हो तो घर से बाहर निकले, शहर में, बाज़ारों में जो भीड़ लग रही है उसको कम करें। संक्रमण एक दूसरे से अगर फैलना शुरू हो जाएगा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर शुरू हो गया, तो फिर वो बहुत हानिकारक होगा, दुखदायी होगा। मेरी सभी से अपील है कि इसको गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, उसका अक्षर से पालन करें। ज़िंदगी रहेगी तो हर साल त्यौहार और उत्सव खूब अच्छे से मनाए जाएंगे। सर, कुछ शरारती तत्व इस तरह के होते हैं जो मानते नहीं, उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? देखिए, पुलिस की ड्यूटियाँ पिछले वर्षों से भी अधिक संख्या में लगाई जा रही है सब जगह, मेरे सर्किल में भी और जनपद, पूरे जनपद में भी, और पूरी तरीके से ड्यूटियाँ उसी तरह से रहेंगी, उससे ज़्यादा मुस्तैद रहेंगे हम लोग। कोई भी शरारती तत्व अगर शरारत करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको जो है विधि सम्मत उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि मैसेज जाए, पता लगे समाज में कि अगर कोई बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई थोड़ी मजबूती के साथ करें। आज जो है नगीना में हमारे ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा की जो हमारे यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं साजिद साहब, उनके ऑफिस में आज हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग में संगठन को मजबूती के लेकर के आपस में विचार विमर्श किया गया। जो पत्रकारों के जो आई थिंक जो हमले हो रहे हैं, उनके जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए आपस में सब लोगों ने मिल करके जो है एक रणनीति तैयार की है, और जल्दी हम जिले के कप्तान साहब से मिलने का हमने आपस में विचार विमर्श किया, ताकि उनको सारी समस्याओं से, पत्रकारों की सब समस्याएं हैं, उनसे उनका अवगत कराएं।